नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आपका भी राशन कार्ड काट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और एक नहीं दो नहीं तीन तीन बिजली बिल जोड़ दिए गए हैं और आपको लगता है कि जो भी बिजली के बिल वगैरह जोड़े गए हैं वो सब गलत हैं और जो आपका नंबर है वो तो यहाँ पे ऐड ही नहीं किया गया है, फिर चाहे दोस्तों आपका एक बिजली का बिल हो या दो हो या तीन हो, अगर दोस्तों एक भी गलत जुड़ जाता है आपकी आईडी से तो दोस्तों बीपीएल आपका काट दिया जाएगा, अब नहीं तो आने वाले समय में काटा जा सकता है। इसीलिए आप इन फ्यूचर के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं और हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, स्टेप बाय स्टेप देंगे कि कैसे आपने आपका राशन कार्ड बचाना है अगर आपका नहीं कटा है, और अगर आपका कट गया है तो कैसे उसकी रिक्वेस्ट डालेंगे, बिजली के बिल की जो रिक्वेस्ट है आप किस प्रकार ऐड करेंगे जिससे आपका जो है राशन कार्ड दोबारा चालू हो जाए। और ये जो आईडी हमने डाली है दोस्तों ये राशन कार्ड अपडेट हो चुका है। देखिए सिटीजन कॉर्नर पर जो आपको ऑप्शन मिलता है एक्सक्लूजन ग्रेवेंस का, उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने यस कर देना है। यस करते ही आपने पीपी आईडी डाल के सेंड ओटीपी करना है। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जाता है, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई 2 से करना है तो यहाँ पे 4 बनता है, तो हम यहाँ पे 4 वगैरह जो है डाल देते हैं और ओटीपी हमारे पास ऊपर आप देख सकते हैं आ चुका है। हमने डाल दिया ओटीपी और ओटीपी को डालते ही आपने नीचे यहाँ पे वेरीफाई करना है। बट हाँ दोस्तों अगर आपको एक बार में ओटीपी नहीं आता है तो रीसेंड नीचे जो येलो पट्टी बनी हुई है उस पर कर सकते हैं। आप अपडेट करेंगे यहाँ पे अगर आपको कुछ इस प्रकार से शो अप होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है आप लॉगिन हो चुके हैं आपकी आईडी से। अब सिटीजन लॉगिन पर आपको यहाँ पे रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रेवेंस का ऑप्शन आपको मिलता है, एक्सक्लूजन ग्रेवेंस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देखिए ओटीपी वेरीफाई होते ही अब आपका यहाँ पे डेटा है वह आ चुका है और आपने यहाँ पे दोस्तों जितनी भी डिटेल है वह देख लेनी है, लाइव आपको दिखाएंगे। अभी वेट कीजिए, आप देखिए यहाँ पे है तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9000 और 12000 यहाँ पे भी आपको नज़र आता है। बट दोस्तों अब यहाँ पे सामने ग्रेवेंस का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यदि आपको लगता है कि ये जो बिजली का बिल है वो गलत ऐड किया गया है, अब ये यहाँ पे नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ये अगर आपका नहीं है तो आपने यहाँ पे नो करना है दोस्तों, तो ही आपका यहाँ पे सही जो प्रोसेस है वह आप कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वह आपका है फिर तो दोस्तों आप ही यहाँ पे गलत हो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से सही है। आपका बिल चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका 12000 से ज़्यादा बिल तो नहीं बनता है, अगर यहाँ पे नंबर बिल्कुल करेक्ट है तो। दोस्तों अब जो हमारा यहाँ पे नो करेंगे आप अपने मुताबिक यहाँ पे यस या नो कीजिएगा। हम जैसे ही यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे अब आपका जो आपका UHBVN है या फिर DH दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है आप सिलेक्ट कीजिएगा। हमारा UHBVN है तो हम यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। अगर आप ओल्ड डालोगे तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे एक पिछला अक्षर आपने छोड़ देना है। अगर आप यहाँ पे न्यू नंबर डालोगे तो 10 डिजिट का आपका नंबर है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे है प्रोसीड, तो आपने दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन, और आप जैसे ही यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका नेम आना चाहिए और ये जो नेम है ये बिल्कुल करेक्ट है और इनका जो एनुअल बिल बनता है वो आपके सामने लाइव देख रहे हैं, 4348 रुपया इनका बिल बनता है
और ये करेक्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर भी येस या नो का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, तो चलिए हम यहाँ पे येस करेंगे क्योंकि हमारा तो 4000-5000 ही बिल आता है और अब जो डाटा इन्होंने उठाया है ना वो बिल्कुल करेक्ट उठाया है दोस्तों। यहाँ पे हम येस का चयन करेंगे, बट आप अपने मुताबिक यहाँ पे जो भी आपको अगर यहाँ पे फैच आउट नहीं होता है आपका नेम तो फिर आप ट्राई कीजिएगा नया नंबर डाल के बिल कनेक्शन का, जो नया नंबर 10 डिजिट का चल रहा है ना दोस्तों वो आप वहाँ पे डाल के ट्राई कीजिएगा, या फिर अगर आपको ओल्ड दिखाता है तो आप ओल्ड ट्राई कीजिएगा, अगर न्यू दिखाता है तो आप न्यू वाला नंबर ट्राई कीजिएगा। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम आपको यहाँ पे येस करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे येस कर देते हैं तो यहाँ पे अब आपको देखने को मिल जाता है कि चेंज विल बी चेक्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटी एंड एप्रोप्रिएट एक्शन विल अफेक्ट आफ्टर दैट। कुछ इस प्रकार से ये अलर्ट जो है आपको मिल जाता है, आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल ऐड हो चुकी है। और अगर आप अब दोबारा जाओगे ना दोस्तों रिक्वेस्ट डालने को तो ये रिक्वेस्ट नहीं डलेगी, ऑलरेडी डाटा आपका दिखा जाएगा कि आपने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाली हुई है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस। वीडियो को बिना लाइक नहीं जाइएगा, लाइक कर दीजिए और जो धाकड़ गवर्नमेंट चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों आप 2 से 3 महीने का आपका टाइम लगता है, वेट कीजिएगा, आपका भी BPL जो है रीस्टार्ट हो जाएगा और आप भी गेहूं के साथ साथ तेल भी लेंगे। जैसे कि इनकी जो इनकम थी वह 75,000 से 1,00,000 थी, तो 1,00,000 से नीचे नीचे जो है तेल भी मिलता है। अगर आप इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो हम अंत में दे रहे हैं, हमने दूसरे चैनल पर डाला हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। बाय बाय दोस्तों।